आसार बन गए हैं हलाली की, ईद के जाएंगे सारे बज़्म से जन्नत खरीद के। भाई तवज्जो मेरे रखे मेहरबानी। आसार बन गए हैं हलाली की ईद के, जाएंगे सारे बज़्म से जन्नत। बोलो आज तपिनर दीदी हार है जी, खुशी हो गए ना बादशाह दे घर। तो सवाली आने सारे तुसा दे मैं औज ले, सारे तुसा दे मैं सवाली है बैठे। आसार बन गए हैं हलाली की ईद के, जाएंगे सारे बज़्म से जन्नत। बोलो जाएंगे सारे बज़्म से जन्नत खरीद के, लेकिन ये फैसला भी अटल है, जहान में आते नहीं है जश्न में बच्चे यजीद को। अच्छा सही, लेकिन ये फैसला भी अटल है, जहान में आते नहीं है जश्न में बच्चे। बोलो यजीद के जेड़े पासों गुजरो ना, हर पासे लाइटिंग जी, हर घर दे विच कढ़ाइयां पकदियां पईयां ना। बोलो तो सही, ये जरा जश्न वाला माहौल बनाओ जी। हाँ मेरे बाद संदा साहब मौला दे सोने जाकिर भाई होनी बैठे, सुरीले जाकिर बैठे जी, माहौल जश्न वाला बने सो तो कुछ हो से। अच्छा लाइटिंग बाबा जी हर पासे, कढ़ाइयां पकदियां पईयां, तवज्जो करे ठीक है। हाँ ये जेहन ही पासे ना हो, मेरे पासे तवज्जो, कढ़ाइयां पकदियां पईयां, हलवे पकदे पे। पूछो क्यों पे पकेंदे हो, ओ बाबा पकेंदा आई बाबा पकेंदा, यहाँ असल पता नहीं होर, तवज्जो करे। मैं आधा इस शब ये लग रहा है कोई खास बात है, शबे बरात जी, बरात मुरादा वाली रात। एक बरात दा मतलब बाबा जी बेजारी की है जी। इस शब ये लग रहा है कोई खास बात है, इस शब ये लग रहा है कोई खास बात है, जिस समत देखता हूँ सजी कायनात है, और साबित ये हो रहा है बरात के लफ्ज से बीबी के मुनकरों पे तबर्रे की रात। ठीक है, जिक्र पाक दा सदका सारे दुआ करो, खिदर मादी को मालिक औलाद नरीना अता फरमाए। बिस्मिल्ला, कढ़ाइयां भाईजान पक दिया पईयां, पूछो क्या होए जी, कोई पता नहीं, बाबा पकेंदा है जी, अम्मा पकेंदी आई, दादा पकेंदा आई। हुण सारे जेड़े जश्न मनावणे बैठे हो, एक दफा सारे जवान मेरे पासे दिखाए, ए जशन क्यों मने देन पता किसे को है ते किसे को नहीं। शाजी मैं भी आदा गर्दन बसद नियाज झुकानी पड़ेगी आज, गर्दन बसद नियाज बाबा जी झुकानी पड़ेगी आज, सुननी पड़ेगी आज, सुनानी पड़ेगी आज। ये है ज़हूरा हुज्जत दौरा का मौजज़ा, मानो न मानो ईद मनानी पड़ेगी। अल अजल अल अजल सारे, अल अजल अल अजल, अल अजल अल अजल, अल अजल अल अजल, पानी दे दो। हुक्म की तबानियान जो यकम तू घिन के आज तक द सफर, इवें जल्दी जल्दी पहली शाबान आई जो तारीख में ला दवा दीने हकी दवा आ गई। जिंदगी हो भी पहली शाबान आई जो तारीख में
ला दवा दीने हक की दवा आ गई, घर में मुश्किल कुशा के खुदा की कसम बन के भाई की मुश्किल कुशा आ गई। और किस कदर आज शब्बीर मसरूर है, कैसी जन्नत से आबो हवा आ गई है, जमाने की खैरुन निसा सैयदा, सैयदा की भी खैरुन निसा आ गई। कोई तो सही कर, है जमाने की खैरुन निसा सैयदा, बिस्मिल्लाह, सैयदा की भी खैरुन निसा आ गई। पाक बीवी की आमद पे अब खुदा ने कहा और क्या भेजता, इससे आला कहीं पर भी देखा नहीं, कारखाना वहदत में ए या अली, इससे बेहतर कोई और तोहफा नहीं। पाक जी को तेरे मुर्शिद अली अलैहि सलाम हथा दे चाया, गल जेड़ी कीती है तेरे इमाम अबन अबुल आईमा भाई जान हथा चाह के ना पाक सैयदा को हथा चाह के कैनात द पाक अमीर फरमेदा पे खिल गई, मेरे आंगन में ऐसी कली जो के नहजुल बलागा का मफहूम है। खिल गई मेरे आंगन में ऐसी कली जो के नहजुल बलागा का मफहूम है, इसके लहजे में है बत है कर्रार की, सारे आलम को ये बात मालूम है। बादशाह फरमाने ये है पाकीज़गी का हसी मौजूदा, इसकी इस्मत की अफलाक पर धूम है, सैयदा जैसे मासूम नाजिल हुई इस तरह मेरी दुख्तर भी मासूम है। सैयदा जैसे मासूम नाजिल हुई इस तरह मेरी दुख्तर भी मासूम है। और हो के मसरूर ये मुर्तजा ने कहा, सच यही है कि हक की बका आ गई, पहले मुश्किल कुशा थी इमामत, मगर ये इमामत की मुश्किल कुशा आ गई। हालत खराब हो गया जी। अच्छा सही, ये इमामत की मुश्किल तवज्जो तो नहीं मेरे पास ही हो ना सही, बानी तो जहन उड़े हो तो बाकी तो केड़ा कसूर हो सी जी। जकम तो बाद जशन मने दो त्रे शबान था दिखे में दो, जिसके आने से बातिल के एहसास पे अब रहेगी जलन, वो हुसैन आ गया।